की फायर सर्विस के हमारे जांबाज फायर फाइटर्स ज़रूरत पड़ने पर लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम उनकी सुरक्षा का ख्याल रखें। हमारे पास रिमोट कंट्रोल फायर फाइटिंग मशीन है जो कि रिमोट के द्वारा ऑपरेट होती है, जिसका ऑपरेटर दूर खड़ा होकर फायर फाइटिंग कर सकता है। और ये रिमोट ऑपरेट जो है 30 मीटर दूर से इसको ऑपरेट किया जाता है, और इसकी जो जेट वगैरह है वो 45-60 मीटर तक जाता है। इसमें कूलिंग कैपेसिटी भी है, इसमें पुशिंग कैपेसिटी भी है, और इसमें फायर फाइटिंग रोटेट करके 360 डिग्री एंगल पे चारों तरफ कर सकते हैं। इसमें जेट और स्प्रे दोनों साथ साथ चलते हैं। इन रोबोट्स की मदद से हमारे जांबाज सिपाही सुरक्षित दूरी से, लगभग 100 मीटर की दूरी से रिमोट के द्वारा रोबोट से इसका संचालन कर सकते हैं, और जटिल परिस्थितियों में आग को काबू में पाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। इससे हमारे जांबाज सिपाहियों की जान बचाई जा सकती है। इसके थ्रू हम तीन चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, एक तो सॉलिड जेट मिलता है, दूसरा वाटर मिस्ट सिस्टम, और तीसरा फोम ले सकते हैं। इसको जो है एक कैरियर व्हीकल के थ्रू हम फायर सीन पर ले जाते हैं और इसका जो है फायर फाइटिंग करते हैं। पहले जहां हम जाने से थोड़ा सा घबराते थे, अब वहां पे बेहिचक अंदर जा सकते हैं। जहां पे एक्सप्लोजन होने का डर होता था या जहां हमें लगता था कि हमारे जवानों की हानि हो सकती है, कुछ हो सकता है, वहां पे इस फायर फाइटिंग मशीन का बड़े अच्छे से सदुपयोग किया जा सकता है। ये अपने आप में देश के अंदर पहला और अनूठा एक्सपेरिमेंट है जो तेजस्वी सरकार ने किया है। मैं उसके लिए दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से दिल्ली सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।